बढ़ते आगे, बांदा में नगर पालिका परिषद के आदेश पर गल्ला मंडी में लगी सब्जी और फलों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें सभी व्यापारियों की दुकानें तोड़ दी गई, जिससे आक्रोशित होकर सभी दुकानदारों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देकर अपना आक्रोश जताया। वहीं दुकानदारों ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार वर्ष 2013 में स्थानांतरण करने हेतु सचिव के द्वारा उनकी दुकानें तोड़ दी गई थी, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि उनको दुकानें हटाने का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मंडी प्रशासन द्वारा जबरदस्ती हम लोगों की दुकानों को हटाया जा रहा है, बुलडोजरों से रोंदा जा रहा है, जबकि 2013 में हम लोगों को इस आश्वासन के साथ मंडी में शिफ्ट किया करने को कहा गया था, व्यापार करने को कहा गया था कि पुरानी सब्जी मंडी में जहां पे भी आप व्यापार कर रहे हैं वो अवैध है। अरे हमारी मंडी जो है काली कुआं में जो स्थित है बड़ी मंडी, उसको हटाना चाहते हैं ये लोग, जबकि अलाटमेंट हम लोग कर चुके हैं, 44 एक कर चुके हैं, 21 एक कर चुके हैं, 20 एक कर चुके हैं, 10 एक कर चुके हैं, उसके बाद मतलब यहाँ से हटाना चाहते हैं। देखिए अभी व्यापारी मेरे पास आए थे और उसमें 20 दुकान बताए जो स्थायी रूप से आवंटित निर्माणाधीन है, और ये वो भी व्यापारी थे, आज से काफी लंबे समय पहले इनको अस्थायी रूप से लाइसेंस दिया, 2013 में इनको शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे अस्थायी रूप से चबूतरे दिए गए थे। अब शासन की मंशा के अनुसार इन सभी को, पूरे उत्तर प्रदेश का अभियान चल रहा है, इन सभी को जो है जो हमारी मंडी बन गई है विधिवत रूप से उसमें स्थानांतरण किया, तो वहाँ पर